भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा और ताकतवर व्यक्ति, अपनी शारीरिक मजबूती से कहीं ज्यादा अपने कामों से जाना जाने वाला, जिनका नाम है हवा सिंह। जी हाँ, हवा सिंह, जिनको आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे, जिन्हें जानकर मेरी आंखों के पर्दे खुल गए और अपने जीवन की काफी कुछ सच्चाई सामने आ गई। मुझे पूरा विश्वास है कि इनके बारे में जानकर आपको बहुत ही गर्व होगा कि ऐसा व्यक्ति भारत की इस पावन धरा पर पैदा हुआ। पहले उनके जीवन की छोटी सी झलक देखते हैं और उनके अचीवमेंट की बात करते हैं कि एक महान बॉक्सर की जिंदगी हमें क्या सिखा सकती है। हवा सिंह का जन्म 16 दिसंबर 1937 हरियाणा के भिवानी गाँव में हुआ। भारतीय बॉक्सिंग के पिता कहे जाने वाले हवा सिंह कद में लंबे व हष्ट पुष्ट थे। जब तक उन्होंने मुक्केबाजी की तब तक सब पर पूरी तरह हावी रहे। 19 साल की उम्र में भारतीय सेना में भर्ती हुए। फौज से एक बॉक्सिंग टीम जा रही थी जिसमें उनकी मजबूत शारीरिक संरचना को देखते हुए उन्हें भी वहां जाने का मौका मिला। अच्छे प्रदर्शन के चलते वे जीत गए। जीत के साथ उनका प्रमोशन भी हुआ। ऐसे ही खेलते खेलते इतना जुनून पैदा हो गया कि धीरे धीरे बॉक्सिंग ही उनका जीवन बन गया। अपनी मेहनत व लगन के चलते उन्होंने एशियन गेम्स में 1966 और 1970 में बैंकॉक में गोल्ड मेडल जीता। 2008 में विजेंद्र सिंह कांस्य पदक जीता। इससे उनकी महानता और ताकत दिखाई देती है कि 1970 के बाद 2008 में पूरे 28 साल बाद किसी एशियन गेम्स में क्वालिफाई कर पदक हासिल किया था। आज पूरे 50 साल हो गए हैं लेकिन उनका गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड अभी तक कायम है। उन्होंने लगातार 1961 से 1972 11 वर्षों तक राष्ट्रीय खिताब जीता। इसका मतलब है कि इन 11 सालों तक हवा सिंह को कोई नहीं हरा सका। इनका एक और लगातार 11 वर्षों तक जीत का रिकॉर्ड आज 2020 तक कोई चू भी नहीं सका। 1996 में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। भिवानी गांव में वह हवा सिंह बॉक्सिंग एकेडमी के निर्माता बने जहां से कई बॉक्सर निकले जिनमें विजेंद्र सिंह का नाम भी शामिल है। 14 अगस्त 2000 को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने से 15 दिन पहले उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। हवा सिंह के जीवन से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु जो इन्हें महान बनाते हैं और हमारे लिए कितने आवश्यक हैं ये बिंदु: डिजायर, कॉम्प्लीमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्डवर्क, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, पॉजिटिव थिंकर। बात करें हवा जी की डिजायर की तो उनके अंदर 21 की उम्र में ही एक बॉक्सिंग डिजायर थी कि वे बॉक्सिंग में अपने आप को और भारत को एक नया नाम दे, जो उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ किया। वो उम्र जब हमें अपने करियर के बारे में भी पता नहीं होता तब वे सेना के नायक थे। वहीं से धीरे धीरे बॉक्सिंग करने का डिजायर पनपा और ऐसा पनपा कि जिसने बॉक्सिंग में एक नया इतिहास ही रच डाला। ये थी उनकी इच्छा की ताकत जो हमें भी अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। अपनी बात के पक्के हवा सिंह अपने आप से कहते थे वो हर हाल में करते थे। वे हर रोज स्वयं को टास्क देते और पूरा होने तक करते रहते। उनका कमिटमेंट लोहे की तरह अटूट था। वे अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझते थे। उन्हें यह पता था कि रिंग में कब किस समय कहां क्या करना है। लगातार 11 बार जीतने का कारनामा सुनने में काफी अच्छा लगता है किंतु अपने परिवार की जिम्मेदारियों के साथ किसी काम को अंजाम देकर महानता हासिल करना अलग है और हवा सिंह को औरों से अलग बनाती है। अटूट जिम्मेदारियों के बावजूद अपने हार्ड वर्क के चलते वे हमेशा एक कदम आगे ही रहते थे। हार्ड वर्क की बात से याद आया, आप सभी आज रन मशीन के नाम से प्रसिद्ध भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को तो जानते ही हो। आज वे जिस स्थान पर जिस रिकॉर्ड के साथ खेल रहे हैं उसके पीछे उनकी मेहनत, उनकी फिटनेस के बारे में आप सभी को पता ही है। हवा जी भी इस महानता को हासिल करने के लिए रोज फौज की हार्ड ट्रेनिंग, सही आहार व आराम भी करते थे। मेरा यही कहना है कि आज हमारे सामने एक छोटी सी समस्या आ जाए तो हमारे दिमाग की नसें काम करना बंद कर देती हैं। हम कितने भी कठोर हो टूट जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं, किसी भी तरह के काम को अंजाम नहीं देना चाहते, वह सरल भी क्यों न हो। अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो आप ये बात नोटिस करना कि हम पूरी तरह नेगेटिव विचारों से गिर जाते हैं और अपने घुटने टेक देते हैं, परंतु हवा सिंह पॉजिटिविटी से भरे हुए मेंटल स्ट्रॉन्गनेस के एक जिंदा उदाहरण थे। अगर हमारे द्वारा किसी तरह का टास्क किया जाए तो ऐसा कई बार होता है कि उसे पूरा करने के बाद भी हमें संतुष्टि नहीं होती और हम थोड़ा और की चाह में गलतियां निकालने में ही समय बर्बाद कर देते हैं। किंतु हवा सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो अपने बॉक्सिंग के करियर में हर मैच के बाद स्वयं पर काफी गर्व करते थे। हमेशा अपने हर काम में संतुष्ट और अपनी सकारात्मक सोच के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहे, स्वयं पर ध्यान देते रहे और उन्होंने भारतीय इतिहास में अपना ऐसा नाम कर दिया शायद ही ऐसा करना किसी और के लिए संभव होगा। महान हवा सिंह के इस विशाल जीवन को हमारे सामने लाने के लिए उनकी बायोपिक फिल्म बन रही है जिसके मुख्य अभिनेता सूरज पंचोली हैं। यह फिल्म हमारे सामने हवा सिंह के जीवन को और अच्छे से हाईलाइट करेगी। यदि हम हवा जी के मुख्य गुणों पर ध्यान दें तो हमारे जीवन की गलतियों को हम इनके जीवन से सीख सकते हैं
और हमारे द्वारा भी ऐसा कुछ किया जा सकता है जो शायद किसी ने सोचा भी ना हो। तब तक शांत रहे, अवलोकन करें और वह काम पहले करें जो करना आवश्यक है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन वी आर गोइंग टू लॉगिंग आउट।